हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानकारी जॉब की यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट अवेलेबल है और वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज है 258, तो 250 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे अलग अलग नॉन टीचिंग के पोस्ट है, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, ऐसे अलग अलग पोस्ट अवेलेबल है। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे ग्रुप ए के लिए 1000 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, और ग्रुप बी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जो कैंडिडेट्स एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स है, या फिर फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स है, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहेगी। जिनको फ़ीस एप्लीकेबल है, उनको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, और आप यूपीआई के द्वारा भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन और यहाँ पे जो फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस, वो सबमिट करने के लिए लास्ट डेट जो है वो है 22 जनवरी 2024। तो 22 जनवरी 2024 ये लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का। और जो भी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है, तो उसका डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबमिशन के लिए 27th लास्ट डेट है, 27 जनवरी, 27 जनवरी तक आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे वैकेंसी की, अगर डिटेल में, तो नॉन टीचिंग पोस्ट है सभी यहाँ पे। तो फर्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो दो पोस्ट है इसके लिए। यहाँ पे मैक्सिमम 45 ईयर्स तक एज अलाउड है, और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, तो यहाँ पे एक पोस्ट है, सेम एज क्राइटेरिया है, और डिग्री चाहिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट जो है वो है सिस्टम इंजीनियर, एक पोस्ट है, 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, और यहाँ पे डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगला है जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर या फिर नेटवर्किंग इंजीनियर, एक पोस्ट है, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। यहाँ पे बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है डिप्यूटी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो दोनों मिला के 6 पोस्ट है। यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड कोई भी डिग्री अलाउड है। नेक्स्ट है चीफ नर्सिंग ऑफिसर, एक पोस्ट है, एमएससी नर्सिंग, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो दो पोस्ट है यहाँ पे, बीएससी या फिर एमएससी होनी चाहिए नर्सिंग में। मेडिकल ऑफिसर 23, तो 23 पोस्ट है यहाँ पे, एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। नेक्स्ट इज नर्सिंग ऑफिसर, फीमेल नर्सिंग ऑफिसर, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट जो है वो है नर्सिंग ऑफिसर, फीमेल नर्सिंग ऑफिसर, 176, तो अराउंड 200 यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। और 30 साल से एज कम होना चाहिए, उम्र जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। इसमें बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन जीएनएम। और मेल नर्सिंग ऑफिसर के लिए 45-45 यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है, सेम क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर बात करें लिंक्स की, तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे जाके आप यहाँ पे सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना है, तो सेकंड लिंक रेफर करें, और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।